हे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की, सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु अर्जन देव जी की। ठाकुर पूजा पंडित को उपदेश। श्री अमृत सरोवर की परिक्रमा में एक पंडित पत्थर की मूर्ति को आगे रख कर कथा किया करते थे। एक दिन गुरु जी जब उससे स्वयं ही आगे निकल गए तो पंडित ने अपने श्रोताओं को कहा कि गुरुजी मुझे तथा ठाकुर को नमस्कार किए बिना ही चुपचाप आगे निकल गए हैं। गद्दी पर बैठकर यह अभिमान हो गया है, धन गुरु नानक। इस तरह पंडित को क्रोधित देखकर गुरुजी ने उसको उपदेश के रूप में यह शब्द उच्चारित किए। राम कली महला पंजवा, मुक्ते पंडित टिका सहित, हृदय राम नहीं पुरन रहत, उपदेश करे कर लोक दिदावे, अपना कहिया आप न कमावे। पंडित वेद विचारी पंडित, मन का क्रोध निवार पंडित रहाओ, आगे रखियो सलग राम, मनु किनो हदि विश्राम। तिलक चरावे पाई पाई, लोक पचारा अध कमाई, खटु कर्मा और आसन धोती, भक्ति गृह पड़े नित पोथी। माला फेरे मंगे बिभूत, इही विधि कई न तरियो मीत। सो पंडित गुरु शब्द कमाई, त्रिगुण की ओसु उतरी माई। चतुर वेद पुरन हर जाई, नानक तिसकी शरण पाई। गुरु जी की यह शब्द उपदेश सुनकर पंडित ने कहा, महाराज संस्कृत में लिखी हुई वाणी को पढ़कर हर कोई ब्रह्म विज्ञा को पद ले लेता है, परंतु यह वाणी जो आपने भाषा में लिखी हुई है इसे का क्या लाभ है। गुरुजी ने कहा, पंडित जी भाषा संस्कृत का एक ज़रूरी अंग है जिसको हर कोई समझकर अपना जीवन सुधार लेता है। संस्कृत को भाषा की बहुत ज़रूरत है, परंतु भाषा को संस्कृत की ज़रूरत नहीं है। यह विचार सुनकर पंडित ने कहा, महाराज मुझे भी अपना सिख बना लो, आप जी के सच्चे वचनों का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा है। गुरुजी ने वचन किया कि लीव लगाकर सतनाम का स्मरण किया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, धन गुरु नानक। शहर के बानियों की प्रार्थना। एक दिन गुरु बाजार के दुकानदार से मिलकर गुरुजी के पास आए और प्रार्थना की, महाराज आप जी ने बड़ी कृपा करके हमें बसाया है और काम काज पर लगाया है, पर यहाँ न कोई ग्राहक आता है और न ही कोई वणिज ही होता है, हमें गुजारना करना बहुत कठिन हो रही है। गुरुजी ने वचन किया, भाई आप नित्य सुबह दरबार साहेब आकर माथा टेक कर फिर अपनी दुकानें खोलकर व्यवहार किया करो, आपको कोई कमी नहीं आएगी, आपका काम काज बहुत चल पड़ेगा, धन गुरु नानक। बीबी भानी जी का परलोक गमन। श्री गुरु अर्जन देव जी की माता बीबी भानी जी स्वयं 1655 में गोविंदवार परलोक गमन कर गए। गुरु जी ने माता जी की याद में बड़े सारी यज्ञ किए, धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।